हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड्स ऑफ दार्जिलिंग सीरीज। वी नो दैट दार्जिलिंग इज क्वीन ऑफ हिल्स, बट बिसाइड्स दैट दार्जिलिंग इज आल्सो वेरी फेमस फॉर द फूड्स वी गेट ओवर देयर। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ फूड टूर ऑफ दार्जिलिंग। And please subscribe my channel and don't skip the video and give a like and comment. Hello everyone, आज का ब्लॉग केविंटस एंड कुंगू स्पेशल है। कुंगू ऑलरेडी हम लोग घूम चुके तो वो वीडियो अलग से डालूंगी एंड अभी जा रही हूँ केविंटस ब्रेकफास्ट करने। एंड पहले जितना भी वीडियो मैं दार्जिलिंग का अपलोड किया प्लीज़ वो आप लोग देखना, अभी तक नहीं देखे हो तो। सो लेट्स गो टू केविंटस। एंड यहाँ का फूड इतना अच्छा है तो फूड ब्लॉगिंग तो अलग से करना ही पड़ेगा ना। सो ओके, लेट्स गो टू केविंटस। केविंटस में अगर आप लोग ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो लाइन में तो आप लोग को खड़े रहना ही होगा। हम लोग 1 आवर लाइन में खड़े होके फाइनली हम लोग को सीट मिला एंड बहुत खुश हो गई थी दैट फाइनली केविंटस में इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगी। तो पहले जो चीज़ हम लोग ऑर्डर दिया वो है टोस्टेड ब्रेड एंड बटर। आफ्टर दैट एक प्लेटर लिया जिसमें था सॉसेज, सलामी एंड 2 egg fry। কেমন খেতে বলো? কোনটা বেস্ট লাগছে? সবটাই দুটো ডিম। অসম, রাইট? दिस इज़ हॉट चॉकलेट जो बहुत ज़्यादा यम था और उसके साथ था फर्स्ट फ्लश दार्जिलिंग टी विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट लास्ट में था बेकन फ्राइड। Now we are going for lunch, छतरी लेके क्योंकि बारिश हो रहा है और ठंडा भी बहुत है। कोलकाता में जहाँ इतना गर्मी, यहाँ पे इतना ठंडा। So let's see कहाँ पे lunch करें। So now welcome to Kunga restaurant which is very famous for Tibetan foods. पहले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन था again एंड यहाँ पे वो लोग ऑलरेडी हम लोग को एक पेपर पेन दे दिया था क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था। तो हम लोग इस मेन्यू से पिक करके उसमें लिख के उन लोगों को ऑर्डर दिया। तो पहले जो चीज़ ऑर्डर दिया वो है वेरी फेमस सूप। यहाँ जाके सूप आप लोगों को पीना ही है बिकॉज दिस इज़ वेरी फेमस मशरूम एंड चिकन सूप। भर भर के मशरूम एंड चिकन था इसमें। तो इसको मैं आउट ऑफ 10 9 दूंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मोमो भी खाना था बट पेट में इतना जगह नहीं था तो मोमो नहीं लिए, आई मीन डिप सम। उसके बाद जो चीज़ लिया वो है चिकन, चिली चिकन एंड फ्राई राइस। यहाँ का चिली चिकन काफ़ी अलग है कोलकाता से, फ्राई राइस भी काफ़ी अलग है। उतना ज़्यादा रिच नहीं है टेस्ट में, थोड़ा सा सिंपल टेस्ट है, ब्लैंड है थोड़ा सा टेस्ट। बट मैं थोड़ा सा स्पाइसी लवर हूँ तो इसलिए मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा जितना फेमस है। तो मैं चिली चिकन एंड फ्राइड राइस को दूंगी 5 आउट ऑफ 10 एंड टोटल हम लोग का बिल हुआ 7:30।